नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज़। मैं हूं विमल राय। आइए जानते हैं आज शहर की प्रमुख खबरों की। मात्र 4 इंच जमीन में गड़े दुर्लभ पौधे आज तक कोई उखाड़ नहीं पाया। धबुटी गांव में 100 सालों से जारी पौधा उखाने की रहस्यमय प्रथा। हर साल सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते छोटा बारहखंबा मेले में पौधे के उखाने के लिए पांच पहलवान नहीं कर पाते जमीन से ठस्से मास। सीहोर जिले के ग्राम धबुटी में दीपावली के एक दिन बाद पौधा उखाने की प्रथा आज भी बेहद ही रहस्यमय है। इसके रहस्य इतिहास के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन आज भी करीब एक दर्जन से अधिक गांवों के लोग हजारों की संख्या में इस प्रथा के साक्षी बनते हैं और यहां पर स्थित खुटियादेव की आस्था और उत्साह के साथ पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण काल के कारण मेले का आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन श्रद्धालुओं पर आस्था का सैलाब था। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्राम धबोटी के उपसरपंच ईश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि पौधा उखाने की प्रथा 100 सालों से अधिक समय से चली आ रही है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस दुर्लभ पौधे को नहीं उखड़ सका है। उन्होंने बताया कि गांव का चौकीदार पटेल जगदीश प्रसाद के मार्गदर्शन में विशेष पूजा अर्चना के साथ ग्राम में स्थित खुटियादेव के मंदिर परिसर में पुवाडिया का 2 फीट का पौधा जमीन के 4 इंच के करीब गड़ता है और उसके बाद सुबह यहां पर आने वाले श्रद्धालु खुटियादेव के दर्शन करने के पश्चात उखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह 4 इंच जमीन में गड़ा हुआ पौधा 4-5 लोगों के अथक प्रयास के बाद भी जमीन से ठस्से मस नहीं होता। एक तरफ तो देश चांद पर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ग्राम धबोटी में हर साल इस तरह की दिव्य प्रथा होती है। अद्भुत घटना में करीब 15,000 से अधिक श्रद्धालु हर साल साक्षी के रूप में मौजूद रहते हैं। ग्राम के सरपंच देव सिंह और उप सरपंच ईश्वर सिंह ने बताया कि हमारे बुजुर्गों से मिली जानकारी के अनुसार दिवाली के दूसरे दिन ग्राम धबोटी में छोटा बारहखंबा से नाम से इस प्रसिद्ध मेले और पौधा उखाने की इस अद्भुत घटना में करीब 15,000 से अधिक श्रद्धालु हर साल साक्षी के रूप में मौजूद रहते हैं, लेकिन इस साल कोरोना संकट काल के कारण मेले में संख्या कम थी। दीपावली के इस पावन पर्व पर कड़कती ठंड को देखते हुए सीहोर युवा सेना के जिला प्रमुख सुनील जी राय के नेतृत्व में आज सीहोर के शनि मंदिर पर असहाय एवं वृद्ध जनों के बीच पहुंचकर युवा सेना ने लड्डू एवं कंबल बांटकर दीपावली का पर्व मनाया। बच्चों के लिए मिठाई। हमारी और भी खबर देखने के लिए आप हमें YouTube पर ज्वाइन करें, साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आए बेल आइकन को दबाएं ताकि हर ताजा खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही, आप देखते रहिए सीहोर लाइव 24 न्यूज़। नमस्कार।